वाला नाम था। मैम डॉक्टर आर्यन ठाकुर पर क्या कार्रवाई की गई है और किस तरह की धमकियाँ आप या फैकल्टी को? वो ज़्यादातर उनकी धमकियाँ जो सालों से चली आ रही हैं कि उनको छात्र जो हैं फार्मेसी के जितने छात्र हैं किसी को भी नहीं छोड़ते, उनको पैसे देने पड़ते हैं इम्तहान के लिए, टर्मिनल्स के टर्मिनल एग्ज़ाम छोटे छोटे एग्ज़ाम बीच में होते हैं, हाजिरी के लिए, उपस्थिति के लिए और आईडी कार्ड बनवाना, छोटी छोटी बातों के लिए वो पैसे लेते हैं। और अगर जो पैसे नहीं देता तो उनको धमकी मिलती है कि वो फेल हो जाएंगे और इतना तक कि वो डिग्री, उनको डिप्लोमा जो है वो भी नहीं लेने देते हैं, तो इस तरह की धमकियां देते हैं। अभी तो उन्होंने हॉस्टल भी बंद करा दिया था, ये हालांकि वो कहते हैं वार्डन तो कोई और है, पर उन्हीं के अंडर था, उन्होंने ही आदेश दिए और मौखिक आदेश दिए होंगे, इसका भी रिटर्न सबूत नहीं है। हॉस्टल बंद करा तीन दिन, बच्चों को बाहर कर दिया, फिर छात्रों को जब हमने एक्शन लिया अगले दिन तब देखा हॉस्टल एक दिन पहले खुल गया था, तब खोल दिया था, खुद ही खोला। उनके लिए कार्रवाई के लिए शासन से सबूत आए थे, बच्चों के छात्रों के दस्तखत किए हुए चिट्ठी थी, कंप्लेंट थी और उसमें ये सारी फैक्ट्स लिखे हुए थे कि उनको डराते हैं, धमकाते हैं। सबसे ख़राब ये है कि सादे पन्ने पे उनसे दस्तखत लेते हैं या कुछ भी उसमें लिखा हुआ हो, दिखाते नहीं और कहते साइन करो। और ये काम वो फैकल्टी के साथ भी करते रहे ताकि एक दूसरे के लिए लिखवा दिया और ढक के साइन करा लिया, दिखाया नहीं क्या है और साइन करा लिया और एक दूसरे के लिखवाते जिससे आपस में झगड़ा हो। लेकिन ये सब हमने ख़त्म करके अलग अलग अकेले में पूछ के ये सारी बातें सॉर्ट आउट की हैं।